हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विलेज रोड एंड फील्ड में। आज मैं एक ऐसा चीज़ दिखाऊंगा, खेतों में इस समय धान के छोटे छोटे बीज उगाए हैं, तो पौधे उगाए हैं और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है कि ऐसा हो। और खेतों में हर तरफ ऐसा लगता है कि जैसे कोई धान की नर्सरी डाल दिया हो किसान, और अभी धान की नर्सरी डालने का वक्त नहीं आया। देखिए, पूरी हरियाली जहाँ तक देखेंगे आपकी नज़र जाएगी, सब खेतों में जो धान के समय में धान छूट गए थे वो है। मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए, धान के समय जब धान का फसल तैयार हुआ था, उसके बाद से उसको जलाने पे काफ़ी रोक लगाया गया था कि उसको जलाया नहीं जाएगा। तो पुआल सभी लोग इकट्ठा किए थे, सभी किसान, और पुआल के साथ जो बीज छूट गए थे ज़मीन में, काफ़ी दिन से पड़े हुए थे। और ये जो मई की बारिश हुई है अभी कुछ दिन पहले, दो तीन बारिश जब ये पाया, तो इस समय ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई धान की नर्सरी डाल दिया हो। देखिए, जहाँ तक देखेंगे आप पूरी हरियाली, और ऐसा लग रहा है कि धान की नर्सरी है और ये धान ही है। कुदरत का ये एक तरह से कुदरत का करिश्मा ही है। काफ़ी लोग अपने धान, अपने फसल को बचाने के लिए बहुत सी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने दिन तक खेतों में पड़े रहने के बाद ये धान के फसल बीज पड़े हुए थे, और जैसे ही नमी पाए, पानी पाए, तो ये उगाए धीरे धीरे। और हर तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि गेहूं है, लेकिन ये गेहूं नहीं है, ये धान है। और जो छूट गया था, ये सिर्फ नमी पाकर ही उगा है। इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है। इस तरह से तो शायद ही आप लोग देखेंगे। देखिए, मैं कितना नज़दीक से दिखा रहा हूं आपको, एकदम ये धान की नर्सरी की तरह ही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे धान की नर्सरी,